स्वागत है आपको YouTube चैनल फिना वॉइज पे। आईआरएम एनर्जी जिसका आईपीओ आया, बहुत सारे लोगों ने या बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे खरीदारी किया है। आईपीओ में बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो अलॉटमेंट भी मिला है शेयर का, बहुत सारे लोगों ने जो आईपीओ आने के बाद उसको अलॉटमेंट नहीं भी मिला है, उसके बाद उन लोगों ने शेयर में खरीदारी किया है। तो मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए आईआरएम एनर्जी का जो आईपीओ आया था, एक बहुत बड़ा आईपीओ आया था और वहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे बोल सकते कि एक सेंटिमेंट बना हुआ था कि इसका जो बिज़नेस है गैस का, मतलब एक बहुत बड़ा बिज़नेस है, उसके चलते जो है शेयर में एक तेज़ी बन सकता है और इसका आईपीओ आ रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पैसा डाला था कि जैसे ही आईपीओ आएगा, लिस्टिंग होगा, बीएससी एनएससी जो इसमें भी है लिस्टिंग होगा, उसके बाद शेयर एक ज़बरदस्त तेज़ी बना है। और बहुत सारे लोगों को लगा कि अलॉटमेंट में नहीं मिला है शेयर तो उसके बाद खरीद लेंगे, तो उन लोगों ने जो खरीद लिया है शेयर। ऐसे भी बहुत सारे आपको इन्वेस्टर्स मिलेंगे, अभी देख सकते कि शेयर का प्राइस क्या चल रहा है, 468 के आसपास पहुंच गया। मतलब बहुत ज़्यादा गिरावट जो आईआरएम एनर्जी के शेयर में देखने को मिला है लिस्ट होने के बाद मार्केट में। दोस्तों इसका लेके हम लोगों ने डिटेल में वीडियो भी बनाया जहाँ पे आईआरएम एनर्जी का बोल सकते कि मतलब शेयर का प्राइस जो अभी गिरावट बन रहा था, अभी इसमें क्या करना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इसका जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देखने की कोशिश करेंगे कि आईआरएम एनर्जी में क्या चल रहा है, इसका शेयर का प्राइस क्या है, मतलब क्या इसमें मतलब ऐसा चल रहा है कि अभी इसमें खरीदना चाहिए आपको क्या है। तो बहुत सारे बोल सकते कि मतलब आईआरएम एनर्जी को लेकर जो चीज़ यहाँ पे देखने को मिला है, इस शेयर को हम लोग कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से वो आपके साथ शेयर किया जाए। रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों वीडियो पे पूरा बने रहिए, कभी भी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फिना वॉइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए। दोस्तों आईआरएम एनर्जी का जो आईपीओ आया था, एक बहुत बड़ा आईपीओ था। इसका गैस का जो बिज़नेस है लगभग 3 स्टेट्स में अभी अच्छा खासा इसका चल रहा है, 3-4 स्टेट में, और तमिलनाडु में जो इसका बिज़नेस और ज़्यादा स्पेंड करने वाला है। तो आईपीओ से जो इसको पैसा आया है तो उसमें से जो इसका बिज़नेस है वो एक्सपेंड करने के लिए काम पे लगाएगा। ये एक बोल सकते कि जो स्टेट्स में इसका बिज़नेस है वहाँ पे इसका अच्छा खासा जो है गैस का, जो नेचुरल गैस का जो बिज़नेस है वहाँ पे बोल सकते कि एक तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूटर है जहाँ पे इसके पास राइस से वहाँ पे सेल करने का गैस वगैरह। अभी यहाँ पे शेयर जो है बोल सकते कि जो आईपीओ आया है बहुत बड़ा आईपीओ था, फिर भी शेयर ने इतना कुछ कमाल नहीं कर पाया आईआरएम एनर्जी के शेयर ने, जहाँ पे यहाँ पे देख सकते एक दिन में आईआरएम एनर्जी के शेयर में 2% के आसपास जो है गिरावट बनता हुआ देखने को मिला है। वही दोस्तों एक हफ्ते के अंदर कुछ खास तेज़ी वगैरह नहीं बना, एक महीने में 4.3% का इसने रिटर्न दिया है। अभी थोड़ा इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। देखिए कुछ दिन पहले इसका आईआरएम एनर्जी का आईपीओ आया था और आईपीओ आने के बाद जो इसका हाई प्राइस था वो था 497 रुपीज़ का और लो प्राइस बनाया था 435.05 पैसे का। तो ये शेयर मतलब 435 के आसपास पहुंच गया था, 435 के आसपास पहुंचा, उसके बाद थोड़ा बहुत स्टॉक में तेज़ी बनता हुआ देखने को मिला है। आईआरएम एनर्जी का इसका मार्केट कैप देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो मार्केट कैप है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 5.6 है। अभी इसका आरएसआई इंडिकेटर जो है वो जो कि आरएसआई इंडिकेटर 55 के आसपास, मतलब बोल सकते कि ना कि ओवरबोट लेवल पे 55 के आसपास है, ना कि ओवर सेल लेवल पे, मतलब इतना ज़्यादा खरीदारी भी नहीं हुआ है, इतना ज़्यादा बिग बाली भी नहीं हुआ है अभी तक आईआरएम एनर्जी के शेयर में। तो इसमें और ज़्यादा अगर सेल होता है तो उसके बाद जाके हो सकता है कि मतलब शेयर जो है वहाँ से एक तेज़ी बनाए। अभी देखिए यहाँ पे बीएससी और एनएससी मिला के जो एक दिन का एवरेज देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आईआरएम एनर्जी का मतलब 245.3 के का है एंड डिलीवरी परसेंटेज 55.4% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 136 के का है। वही दोस्तों एक हफ्ते के अंदर 412.6 के का है, बीएसएनएस से मिला के एवरेज डिलीवरी परसेंटेज 42.2% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 174 के का है। एक महीने का बीएसएनएस से मिला के जो एवरेज देखने को मिल रहा है 348.4 के का, डिलीवरी परसेंटेज 44.7% का है, डिलीवरी वॉल्यूम जो है 155.9 के का है। तो मतलब ये शेयर का आप देखेंगे तो जो इसका एक क्रेज था मार्केट में आईआरएम एनर्जी का, जैसे इसका आईपीओ आया था तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर जो यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, क्योंकि इसमें क्रेज बना था आईआरएम एनर्जी में, आईआरएम एनर्जी को लेके, जहाँ पे सबको लगा था कि ये शेयर जो एक ज़बरदस्त रिटर्न बना सकता है आगे चल के, क्योंकि एक जब मतलब इसका बिज़नेस अगर देखेंगे तो उस बिज़नेस में बोल सकते कि उस स्टेट्स में जो इसका मोनोपोली है, एक मोनोपोली मतलब इसका जो इसका ही सिर्फ बिज़नेस है गैस का उस स्टेट्स में, जहाँ पे बहुत सारे जो है नेचुरल गैस वगैरह का ऐसे है जो वो बोल सकते एक तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर ये है, तो इसका बिज़नेस जो है एक बोल सकते कि अच्छा बिज़नेस है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये भी आपको देखना है, आईआरएम एनर्जी का जो नेचुरल गैस का बिज़नेस है उसमें बहुत सारी चीज़ है जहाँ पे ये प्रोडक्ट्स के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये सब चीज़ भी है। और इसके जो है ऐसा नहीं है कि
कि मतलब बहुत सारे स्टेट्स में, सिर्फ 3 या 4 स्टेट्स में इसका फिलहाल अभी बिजनेस है आईआरएम एनर्जी का। तो इसका आईपीओ जो आया था, आईपीओ के में प्राइस थोड़ा ज़्यादा था, शेयर का अगर आप देखते तो उसका जो है प्राइस थोड़ा ज़्यादा था। तो उसके बाद आईपीओ आने के बाद शेयर में जो है बोलते थे गिरावट बनता हुआ देखने को मिला है कि कुछ खास इसमें तेज़ी नहीं बना, मतलब जिसको भी प्रॉफिट मिला आईपीओ के बाद उन लोगों ने शेयर को बेचा। तो अभी यहाँ पे देखिए बहुत सारे बोलते थे कि ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं जिन लोगों ने बोलते थे जो आईआरएम एनर्जी का शेयर है इसमें अभी भी बिग बाली कर रहा है, ऐसे भी बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे। शेयर का प्राइस जैसे कि 535 के आसपास पहुंच गया था, अगर किसी ने 535-37 में भी लिया है तो बहुत मतलब अभी जैसे कि शेयर का प्राइस में तेज़ी बन रहा है, तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग जो यहाँ पे शेयर को बेचेंगे, शायद हो सकता है कि शेयर को जो है सेल करें, शेयर को यहाँ से सेल करेगा तो और भी ज़्यादा यहाँ पे गिरावट बन सकता है। तो हमें लगता है कि दोस्तों अगर किसी ने मतलब आईआरएम एनर्जी का शेयर नहीं लिया है तो उनको अभी थोड़ा समय रुकना चाहिए, शेयर में थोड़ा गिरावट बनता है और ज़्यादा, तो उसके बाद खरीदेंगे तो वहाँ से अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। और अगर किसी ने लेके रखा है तो यहाँ पे एक बार अच्छी तरह से रिसर्च कर लीजिए। अभी देखिए होल्ड करेंगे तो मतलब हो सकता है कि थोड़ा समय होल्ड करेंगे तो वो आपको अच्छा खासा ये जो है यहाँ पे आईआरएम एनर्जी के शेयर में रिटर्न देखने को मिले। अगर हम लोग देखते हैं कि अभी जो है मतलब अगर शेयर खरीदते तो बहुत ज़्यादा रिटर्न आपको शायद से नहीं देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है आईआरएम एनर्जी के शेयर को लेकर, ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइए। उम्मीद है दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोइश को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए।